नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। ये एनडी का छठा पार्ट है, हमारा छठा चैप्टर है, और इसमें हम ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने मतलब बहुत ही करीब से देखा है मौत को और अपने अनुभव मतलब सारे लोगों के साझा किए हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ लोगों को संदेह भी हो सकता है कि क्या ये लोग सच बोल रहे हैं वगैरह। तो एक तो मतलब आज तक मतलब 1 लाख से ज़्यादा मतलब लोगों ने एनडीए का दावा किया है, और उनमें से आपको यकीन भी नहीं हो सकता, मतलब 1 लाख में से 60 से 70 हज़ार पूरे दावे में पूरी तरह मतलब एक जैसा उन्होंने विवरण बताया कि उनको कैसे अनुभव हुए। तो इसलिए हम उन 60 हज़ार लोगों पे तो संदेह नहीं कर सकते कि उन लोगों ने एक जैसी बातें बताई है। और जो सर आपको ये भी सवाल आ सकता है कि वो 40 हज़ार लोगों का क्या, तो 40 हज़ार लोगों को बहुत ही अलग अनुभव है, और इसका जवाब मैंने पहले भी दे दिया था कि क्या होता है कभी कभी कि उस इंसान की विचारधारा और उसको वो सारी चीज़ें दिखाने को जिस व्यक्ति ने मतलब जिस आत्मा ने प्रयास किया था उसकी विचारधारा पे ये निर्भर होता है कि उन्हें किस प्रकार के अनुभव होंगे। तो उनको थोड़े अलग अनुभव हुए थे, लेकिन हम इस तरह से 60 हज़ार लोगों पे संदेह नहीं कर सकते जिनको एक जैसा ही अनुभव हुआ, और वो लोग बहुत ही अलग अलग मतलब से माध्यम से आए थे, मतलब कोई एक जैसा मतलब नहीं था। और हम यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा आस्तिक होते हैं, और इसलिए मतलब हमें कोई बड़ा मतलब नहीं लगेगा इन सारी चीज़ों का। लेकिन क्या होता है कि जो मतलब यूरोप या फिर अमेरिका जो खंड है उसमें क्या होता है कि ज़्यादा लोग मतलब आस्तिक नहीं होते, या फिर वो इन सारी चीज़ों के बारे में कभी ज़्यादा नहीं सोचते। क्योंकि एक चीज़ मैंने एक बार एक औरत के बारे में सुनी थी कि उसके हस्बैंड ने उनके साथ संपर्क किया था तो ऑटोमेटिक राइटिंग से, तो उन्होंने यही कहा था उनके वाइफ ने कि ज़िंदा रहते समय हमने मतलब उनके पति ने और उन्होंने कभी भी इन सारी की चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं की थी, मतलब मौत के बारे में। हमें तो यही लगता था कि मौत के बाद मतलब हम हमेशा एक दूसरे के साथ अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से बातें हैं कि इन लोगों ने कभी भी उन सारी चीज़ों को मतलब बारे में सोचा भी नहीं था, और उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई, इसलिए हम डायरेक्टली उन पर पूरी तरह यकीन कर सकते हैं। मैं आपको ये बताने वाला था। आज का जो मतलब पहला जो केस है एनडीए का वो है विलियम ब्लैक नाम के एक इंसान का, और ये एक सोल्जर थे। उन्होंने किसी एक वॉर में मतलब हिस्सा लिया था, और ये एक सैनिक थे, और उन्होंने कहा है कि ये जब लड़ रहे थे तो बहुत सारे सैनिक वहाँ पे थे और दुश्मन सैनिक भी थे, और एक दूसरे को उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे पे मतलब आक्रमण कर रहे थे, तो अचानक से कहीं से एक गोली आई और उन्होंने कहा है कि उनके छाती को लग के गई, और लग के मतलब बाहर निकल गए ऐसा उन्होंने कहा है, और उनको कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन क्या हुआ कि कुछ भी नहीं पता चला, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने आप को उन्होंने ऊपर आते हुए देखा, और उन्होंने ये भी देखा कि उनके साथ ही बहुत सारे सैनिक मतलब मर रहे थे, शहीद हो रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि हम एक दूसरे के आत्मा को देख रहे थे ठीक से। और उन्होंने ये भी कहा कि क्या होता है, अब समझो कि एक आदमी ने आपको मार दिया और आपने भी उस आदमी को समझो मार दिया, तो हम मतलब इस दुनिया से जाएंगे फिर भी हम मतलब एक तरह से दुश्मनी जैसा चेहरा या फिर आके करके उसे देख लेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं दिख रहा था, उल्टा हमें मतलब बुरा लग रहा था कि हम क्या एक दूसरे से झगड़ रहे थे। तो उस तरह से बातें उन्होंने कही है विलियम जी ने। और विलियम जी आगे क्या बताते हैं कि ऐसे वक्त में उन्होंने कहा कि उनको एक परछाई दिखाई दी और वो उनके बहुत ही करीब आ गई, और उसके बाद उन्हें पता चला कि वो उनके पिताजी थे। उनके पिताजी भी एक सैनिक ही थे, सोल्जर में ही थे, और उन्होंने और वो भी एक युद्ध में ही मारे गए थे। और उनके पिताजी के बारे में उन्होंने कहा कि वो बहुत ही खुश लग रहे थे, और पिताजी बहुत ही मतलब हंस रहे थे उनके साथ, और उन्होंने कहा कि उनके पिताजी ने उनसे कहा कि तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम मतलब फिर से अपने पृथ्वी पर जाओगे और तुम्हें मतलब अपनी ज़िंदगी वहीं से शुरू करनी होगी, इसलिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। विलियम कहते हैं कि वो ऐसा पल था कि मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि क्या हुआ। और एक बात मैंने आपसे मतलब कभी कही नहीं, लेकिन बहुत सारे एनडीए के सेशन में या एनडीए के एक्सपीरियंस में उन्होंने एक बात अनुभव में उन्होंने ये कहा है कि वो 360 डिग्री तक देख सकते हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आप चारों तरफ वो लोग दिखाई दे सकते हैं, मतलब अगर हम मतलब चल रहे रास्ते से और हमें पीछे से हमारे कोई आया तो हमें नहीं दिखता, लेकिन जब मतलब आत्मा जिस तरह से दिखती है, मतलब आत्मा की आंखें चारों तरफ होती है ऐसा हम समझ सकते हैं, मतलब हमें सब कुछ दिखाई देता है। और वैसा ही कहा है विलियम जी ने कि उनको चारों तरफ से दिखाई दे रहा था, और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ही अलग लग रहा थी ये सारे अनुभव, लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों पर मैं पूरा मतलब
पूरा मतलब मेरा दावा है कि ये सच ही था। और विलियम जी ने ये भी कहा कि उसके बाद बहुत ही जल्द वो शरीर में आ गए, और उन्होंने कहा कि उन्हें पता भी नहीं चला था कि क्या हुआ था मेरे साथ, ऐसा कहते हैं विलियम। और उन्होंने अपनी छाती को हाथ लगा के देखा तो छाती उनकी पूरी तरह से ठीक थी। क्या हुआ था, उन्होंने कहा कि गोली उनके सर को लग के बीच में से ऐसे मतलब सर को लग के गई थी और उनको कुछ पता भी नहीं चला था और वो बेहोश हो चुके थे। लेकिन इस अनुभव ने पूरी तरह उन्हें झंझोड़ कर रख दिया और उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसी दुनिया की अनुभूति हुई कि जिससे मतलब मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। विलियम ने यह भी कहा था कि मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि एक क्या होता है कभी कभी कि हाथ से इस तरह से हो जाते हैं कि हम ठीक तरह से समझ नहीं पाते। तो उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि पहले छाती को गोली लगी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था उनके साथ। और विलियम उनसे यही कहते हैं कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं मेरे पिताजी। और उन्होंने और भी कई लोगों के नाम कहे कि हम हमेशा एक साथ हैं, चाहे हम इस दुनिया में एक साथ रहे या फिर ना रहे, लेकिन हम आत्मलोक में हमेशा एक साथ ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। और आपको मतलब ये भी लगेगा कि वो वहाँ पे है और हम यहाँ पे हैं, फिर हम एक साथ कैसे, तो मैं आपको फिर से बता दूँ कि हम बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मैंने पहले भी कहा था कि एक पाठशाला की तरह ये चीज़ें हैं कि हम पृथ्वी पर एक पाठशाला की तरह आते हैं। तो पाठशाला में है, इसका मतलब हम ये तो नहीं कहना सकते कि हम घर पे ही नहीं है। पाठशाला होती है तकरीबन मतलब आपको पता ही होगा कि सुबह समझो 7 बजे हमारी स्कूल चालू हुई तो वो 12-1 बजे ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हम पूरा दिन घर पे ही रहते हैं। मतलब बहुत ही कम समय के लिए हम स्कूल जाते हैं। तो वैसा ही होता है कि हम बहुत ही कम समय के लिए पृथ्वी पे आते हैं। मैंने आपको 4 घंटे कहे, लेकिन अगर हम आत्मा के रूप से देखें तो बहुत ही कम समय के लिए, मतलब मैं आपसे सच कहूँ तो 4 मिनट भी हम पृथ्वी पर नहीं आते, सच कहता हूँ, क्योंकि आत्मा की उम्र इतनी होती है। और ये सारी चीज़ें मतलब हम पर एक माया का जाल ऐसा पैदा कर देती है कि हमें लगता है कि पृथ्वी का जीवन ही हमारा असली जीवन है, ऐसा लेकिन नहीं है। मैं आपसे सच कहता हूँ क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी बहुत बार कहा है माया, ऐसा उन्होंने कहा है कि माया इस तरह से होती है कि हमें वो पूरी तरह सच लगने लगती है। तो यही है बात। आज की दुनिया में आपको कहूँ तो मतलब 3D जिस तरह से अनुभव होते हैं, मतलब जो आँखों के ऊपर जो पहनते हैं VR वर्चुअल बॉक्स ऐसा कुछ कहते हैं उसको, तो वो अगर हम पहने तो हमें सच दिखाई देती है सामने की सारी चीज़ें, लेकिन वो सच नहीं है। तो वैसा ही इस दुनिया में है, हमें इन सारी चीज़ों को मतलब हम सच समझने लगते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। और ऐसे जब NDE के अनुभव या फिर मौत के बाद का हम जब अध्ययन करेंगे तब आपको मतलब पूरी तरह सच पता चलेगा कि वाकई में ज़िंदगी क्या है, और उसी तरह से हम जीने लगेंगे। हमारा जो दूसरा केस है वो है चित्रा जॉनसन नाम के एक लड़की का। ये जो लड़की है वो भारतीय मूल की थी और उन्होंने कहा है कि एक अमेरिकी के साथ उसने शादी की। और उसने ये कहा है कि उनके अपार्टमेंट में एक बार बहुत ही बड़ी आग लगी और इसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम बहुत ही जल्दी मतलब सब लोग अपने घर से बाहर निकल कर रास्ते पे जा रहे थे, बाहर निकल रहे थे घर से। लेकिन चित्रा ने कहा है कि आग बहुत ही इतनी तेज़ थी कि मैं अपने घर से मतलब निकल नहीं पा रही थी और बहुत ही जल्दी से धुआं मेरे मतलब हमारे कमरे के अंदर आ रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था। और उस मतलब दुर्दैव से उस वक्त उसे मदद करने वाला भी कोई नहीं था और इसलिए, और वो अकेली थी घर में, कोई और भी नहीं था परिवार का इंसान। तो उन्होंने ये कहा है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे धुआं इतना हुआ कि वो उसे मतलब सामने की चीज़ भी नहीं दिखाई दे रही थी। और वो यही कहती है कि मेरी मतलब सांस भी उसे लेना बहुत ही कठिन हो रहा था और धीरे धीरे उसने कहा कि मैं बेहोश होने लगी। और जब बेहोश हुई तो उसको कुछ भी नहीं समझ में आया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने शरीर को मतलब ठीक से महसूस नहीं कर रही थी, मतलब जिस तरह से मतलब स्थायु मतलब एक चीज़ को जैसे हम स्पर्श करते हैं तो उसका अंदेशा हमें आ जाता है, तो वैसा अंदेशा मुझे नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था मैं किसी और ही दुनिया में है, वैसा कहती है चित्रा। और उसने ये कहा कि उसके बाद उसने एक ऐसी मतलब उसने एंजल उसे कहा, एक परी की तरह उसने कहा है कि फेरी की तरह एक कोई मेरे सामने आया, वो फेरी की तरह मतलब हाथ में ऐसा वो स्टार जैसा लेकर, और उसको पंख था ऐसा नहीं है, लेकिन उसने कहा कि उसका प्रभाव इतना था कि वो मुझे तो एंजल की तरह ही दिख रही थी। और उस औरत ने उससे कहा कि तुम्हें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है बेटा, और तुम्हें बहुत ही जल्द फिर से पृथ्वी पर जाना होगा, इसलिए तुम मत डरो, बस तुम अपने आप पर भरोसा रखो और अपनी ज़िंदगी जीने की अच्छी से कोशिश करो। और चित्रा कहती है कि ये सारी चीज़ें उसे समझ आ रही थी और उसने कहा कि मैं मतलब इतने क्लियरली उसने मुझसे सारी बातें कही कि मैं मतलब ठीक से समझ नहीं पाई, ऐसा कह भी नहीं सकती थी, लेकिन उसने ये कहा कि जो भी मेरे सामने थी वो कोई मतलब हमारे जैसी आम इंसान नहीं थी, आम एक शख्सियत नहीं थी, वो बहुत ही बढ़िया शख्सियत थी आत्मा की मतलब ज्ञान की दृष्टि से। और उसने कहा कि ऐसे लोगों के साथ रहना मतलब हमारी ज़िंदगी के बहुत ही अहम पल है, या फिर हम मतलब बहुत ही बड़ा महसूस करेंगे अगर ऐसा हमारे साथ हो। तो चित्रा यही कहती है कि अब हमें
और उसने उसके बाद उसने अनुभव किया कि उसे मतलब वो बेहोश ही थी, और धीरे धीरे जब उसे मतलब होश में आया तो उसने देखा कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। और उसने बहुत सारे ऐसे मरीजों को देखा जिनको मतलब आग से वहाँ पे निकल वहाँ एरिया से फायर ब्रिगेड वालों ने निकाला था और हॉस्पिटल में एडमिट किया था। लेकिन ऐसा अनुभव तो चित्रा को ही हुआ। तो चित्रा ने यही कहा कि मतलब चित्रा यही कहती है कि हमें लगता है कभी कभी कि हम अकेले हैं, लेकिन हमसे मतलब प्यार करने वाले बहुत लोग हैं। और मैं उस दुनिया को आत्मलोक को प्यार की दुनिया ही कहूँगा, क्योंकि वहाँ पे मतलब कोई भी स्वार्थी प्यार नहीं करता जैसे पृथ्वी पर होता है कि इंसान को मतलब हमारा फ़ायदा होने तक उस इंसान को मतलब हम प्यार करते हैं या फिर प्यार का नाटक करते हैं। लेकिन ऐसा वहाँ पर नहीं होता। वहाँ पर एक सच्चा प्यार की एक मतलब परिसीमा मतलब सच प्यार जो होता है तो वैसा ही वहाँ पर प्यार है। और चित्रा कहती कि मैं उस अनुभव को कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। हाल ही में मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, उसको मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ। ये मैं पढ़ रहा हूँ फिलहाल। तो इस बुक में एक लेखिका ने उन्होंने एक बात कही है कि समझो मैं 20 साल का हुआ और मुझे एनडीई का अनुभव हुआ, नियर डेथ एक्सपीरियंस का, और अब मैं मतलब 30 साल बीत गए और अब मैं समझो 50 साल का हूँ। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे जब अनुभव हुए होते हैं मतलब एनडीई के बहुत ही साल हुए उनको एनडीई के अनुभव हुए, लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसे जो अनुभव है वो इंसान उसको डायरेक्टली भुला नहीं सकता। मतलब हम समझो 20 साल की उम्र में मैंने अनुभव लिया और अभी मैं 80 साल का भी हूँ तो भी उस अनुभव को वो लोग नहीं भुला पाते। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भगवान या फिर कोई तीसरी शक्ति चाहती है कि आप उसे ना भूले। और वो यह मैं समझाने की कोशिश कर रही है कि सच ये है भाई, और कुछ सच नहीं है। तुम्हें जो आंखों से दिख रहा है वो दुनिया में जो हो रहा है वो सच नहीं है, सच ये है तुम्हारे साथ जो हो रहा है। और हमें खुद को देखना चाहिए क्योंकि हम उसी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं खुद को। चित्रा यही बताती है। आगे की जो हमारी केस है वो है जोनाथन एवरी नाम के एक इंसान की। उसने कहा है कि वो बाइक से जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हुआ, और वो मतलब बहुत ही ज़ोर से उसने कहा कि मैं बाइक से गिरा और मतलब फिसलता चला गया, और कई मतलब वो उसके बाद में होश भी नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। और उसने इसके बाद कहा है कि वो अपने शरीर से मतलब थोड़ा बाहर दिखाई दे रहा था, और उसने कहा कि मैं तकरीबन मतलब बादलों के जैसा एरिया में मतलब मैं घूम रहा था, ऐसा कुछ दिखाई दिया उसे। और उसके बाद उसने कहा कि दो लोग मेरे सामने आते हुए दिखाई दिए, उन लोगों ने मतलब प्यार का एक सागर ऐसा कहा है उसने कि उसने यही कहा है कि द ओशन ऑफ लव, और इस तरह से दो लोग लग रहे थे। और उन दोनों को मैं देखते ही समझ गया कि ये मेरे दादाजी और दादी है, और वो मुझसे बहुत ही प्यार करते थे। और वो उनको कुछ 12 साल हुए थे इस दुनिया से जाकर, लेकिन जोनाथन यही कहते हैं कि बहुत ही प्यार से मतलब मुझसे बातें कर रहे थे वो। और उन्होंने यही कहा कि तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा, तुम यहाँ पर नहीं आए हो हमेशा के लिए, लेकिन तुम डरो मत कि एक दिन हम तुम्हें मतलब जब तुम्हारा वक्त ख़त्म हो जाएगा पृथ्वी पर तब हम तुम्हें लेने आ जाएंगे, और तुम्हें दादा धरने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब तुम्हारी मृत्यु होगी। दुनिया ऐसी ही चलती है और तुम्हारे साथ भी वही होगा जो सबके साथ होता है। तो आपको मतलब हमें अगर मुझे अगर किसी ने कहा या फिर किसी और को कहा कि एक ना एक दिन तुम जाओगे और हम तुम्हें लेने आएंगे तो थोड़ा हमें डर लग सकता है। लेकिन जोनाथन यही कहते हैं कि उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि अभी मैं आपके साथ आता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि वो दुनिया कितनी सुंदर होगी। पहले तो मतलब लोग दुनिया में उस क्यों खुश रहते हैं, मैं आपको एक कारण बताता हूँ, क्योंकि पृथ्वी पे बहुत ही ज़्यादा दुख है। और पृथ्वी पे रहने का ज़्यादा तो मतलब मैंने जितने केसेस आपको थोड़ा लगेगा भी मैं थोड़ा सा अलग बोल रहा हूँ, लेकिन 100 में से 90% लोगों ने सिर्फ अपने 100 में से 90% लोग तो यही अपने मतलब वो जो फिर से पृथ्वी पे जो आना चाहते हैं वो इसकी वजह से आना चाहते हैं क्योंकि उनके करीबी लोगों को दुख ना पहुँचे। तो आप समझ सकते हैं कि वो सिर्फ एक मजबूरी की वजह से आ रहे हैं, बाकी उनको यहाँ पे आने का मतलब इच्छा ज़रा भी नहीं होती पृथ्वी पर। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो दुनिया कितनी अच्छी है। मैं ये उन लोगों का हाल ही में मैंने एक किताब एक लड़की की बायोग्राफी पढ़ी थी, वो किताब भी नहीं थी, थोड़ी सी मतलब एक बायोग्राफी आप समझ सकते हैं, एक ज़्यादा नहीं 20-30 पन्नों की थी। उस लड़की ने बहुत ही ज़्यादा दुख उठाए थे अपनी ज़िंदगी में, और उसने यही कहा था कि क्या पता, लेकिन बचपन से उसे मौत का बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। लेकिन एक बहुत ही अच्छी लड़की, मतलब आज तक तो मैंने स्वार्थी लोगों को ही मौत से डरते हुए देखा है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी मतलब स्वभाव की लड़की, एक अच्छे स्वभाव की औरत, उसने कहा है कि मुझे डर लगता था मौत से। तो ऐसे लोगों को या फिर हमारे जो भी लोग सुन रहे हैं वो ऐसे अगर डरते होंगे तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि आपको डरने की ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दुनिया मैं आपसे मतलब बयां नहीं कर सकता, क्योंकि एनडीई के बहुत लोगों ने भी उन्होंने कहा है कि हम उस दुनिया को बयां भी नहीं कर सकते शब्दों में। वहाँ पर कुछ ऐसे फूल
सवाल है कि जिनको रंग के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, मतलब वो रंग पृथ्वी पर है ही नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो माइंड है, हमारा जो मन है या फिर हमारा जो दिमाग है वो पूरी तरह मर्यादित है। उसका कहीं ना कहीं एक एंडिंग पॉइंट है, लेकिन उस दुनिया का कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। उस दुनिया में आप जितना अच्छे होंगे उतना ही आपको, मतलब आप दिल से जितने अच्छे होंगे उतना आपको मान मिलेगा, उतना आपको सम्मान मिलेगा। तो इसी तरह से ये थी जोनाथन की कहानी। और जोनाथन आगे ये भी बताते हैं कि उसके बाद वो, मतलब उन्हें महसूस हुआ कि वो अपने शरीर में आ गया, और उन्होंने ये महसूस किया कि शरीर क्या, शरीर में आने के बाद उनको मतलब सारे मतलब दुख दर्द, मतलब थोड़े थोड़े सहन शुरू हुए, सहना शुरू हुआ मतलब दुख दर्द, क्योंकि उनको लगा था वो मतलब एक्सीडेंट हुआ था उनका। लेकिन उन्होंने कहा कि तकरीबन 2 महीने लगे मुझे पूरी तरह से ठीक होने में, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो वाकया हुआ इसके वजह से मैं पूरी तरह दुनिया में बदल गया हूँ। तो एनडी के अनुभव के बाद इंसान किस तरह से बदल जाते हैं, तो ये इसके बारे में मैंने थोड़ा मतलब रिसर्च करने की कोशिश की है, इन सारी चीज़ों को पढ़ते हुए। आपको जितने अनुभव कहे उससे ही मैंने आपको कह रहा हूँ कि एनडी के बाद बहुत लोगों को इतने बदलाव हुए उनमें कि वो मतलब प्यार से देखने लगे दुनिया को, वो मतलब बच्चों से प्यार से बातें करने लगे। कभी भी मतलब कोई सामने अगर कोई बुरी चीज़ होती है तो वो ऐसे लोगों को मतलब द्वेष नहीं करने लगे, वो इसी तरह से बोलने लगे कि हम मतलब अच्छी राह पर हमें बढ़ना चाहिए। वो कभी भी किसी का मतलब एक बात लेकर नहीं बैठने लगे, वो दुनिया को मतलब प्यार करने लगे। ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा हो रहा है हम उसके बारे में कुछ भी ना कहे, लेकिन हम बुराई में ज़्यादा मतलब इंसान के बुराई में हम ज़्यादा डूब जाते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं, तो ये गलत है। हमें मतलब दुनिया को एक ही तरह से देखना चाहिए। अगर हम यीशु क्रिस्त के बारे में या फिर संत के बारे में अगर देखेंगे तो आप ये भी समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। देखो मतलब समझो, संत बहुत ही संत, मतलब संत तुकाराम जी थे, उनका तो बहुत ही हालत उनकी हुई थी, और लोगों ने उनको बहुत ही गाली गलौज की थी, या फिर संत ज्ञानेश्वर को तो लोगों ने मतलब पानी भी नहीं दिया मांगने पर। तो उनके समय भी समाज में बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में मतलब वो सोच सकते थे या फिर उनका द्वेष कर सकते थे। आज के माहौल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उन लोगों ने कभी भी मतलब उनका, अगर आप संतों का जो भी मतलब रचना है या फिर उन्होंने जो भी लिखा अपनी ज़िंदगी में, जो भी काव्य तैयार किए या फिर जो भी मतलब खंड लिखे, तो उन्होंने कभी भी ऐसे लोगों के बारे में नहीं लिखा कि मुझे बहुत ही दुख का सामना करना पड़ा वगैरह। आजकल मैं देखता हूँ तो मतलब 20 साल का बच्चा भी कहता है कि मैंने बहुत दुख का सामना किया, लेकिन ऐसे लोग जिन ज्ञानेश्वर के बारे में मैं क्या बोलूँ कि मतलब क्या बोलूँ, उस गोबर भी उनको मतलब उनके झोली में डाल दिया कि हम आपको गोबर देते हैं लो। मतलब हम समझ सकते हैं कि कितने दुख का सामना और कितना अपमान सहना पड़ा ऐसे बच्चों को, कितने छोटे से थे उनकी उम्र, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इस बारे में नहीं सोचा। तो ऐसे बदलाव हुए एनडी के केसेस में, ऐसे मतलब एक संत के जैसे। तो मैंने पहले भी आपको संत आखिर कौन होते उसमें भी ये कहा था कि संत बहुत ही अलग लेवल के लोग होते हैं, मतलब आत्मलोक में जैसे हमारा मन होता है उसी तरह का मन उनका होता है। तो बहुत लोगों को ये लगेगा कि उनको कोई दैवी शक्तियाँ वगैरह तो नहीं मिली ना, तो अब इसका जवाब नहीं है। वो लोग अपने कर्म से इतने बड़े बने हैं, और आप भी अगर सोचोगे, अच्छा कुछ ध्यान वगैरह करोगे तो धीरे धीरे अच्छे अच्छे बदलाव आप में कैसे आ जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा, मैं आपसे सच कहता हूँ। तो यही अनुभव ऐसे लोगों को जो हुए हैं उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और इसी तरह से जीकर एक भगवान को हम प्रिय बने, और ऐसे संतों के जैसे हम एक अच्छे इंसान मतलब कुछ दुनिया का भला करें, या फिर अपने परिवार में कुछ अच्छा हम रख के जाए, और हमें मतलब दुनिया हमेशा याद रखे, और ना भी रखे तो भी मतलब हमारा जो महत्व है वो कभी भी कम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोई याद रखता है या फिर कोई मतलब कोई बड़ा कुछ कार्य काम करने के बाद हमारे जीवन सफल, ऐसा ज़रा भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारक है कि जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया लेकिन उनका आज कोई नाम भी नहीं लेता, तो हमें ऐसा नहीं है कि उनका काम फुकड़ गया, पूरी तरह उनका काम मतलब भगवान को पता है, और उसके उसी तरह से उनको मतलब प्राइज़ भी मिलेगा, बख्शिश भी मिलेगा। इसके लिए हमें मतलब इसके लिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं कि क्या होगा वगैरह, लेकिन भगवान जानते हैं कि आपके दिल में कैसा है, उसी तरह से हमें सारे हमारा मतलब जो आगे होगा वो इसी तरह से चलता जाएगा। तो आप अपनी ज़िंदगी में अगर आपने अच्छे कर्म किए तो निसंकोच रहिए कि आपको कोई भी कुछ भी बुरा आपका साथ नहीं होगा। मैं आत्मलोक की बात कर रहा हूँ, पृथ्वी में सच में मतलब अच्छा काम करने वाले के साथ भी कल क्या हो सकता है कह नहीं सकते, क्योंकि पृथ्वी का जीवन ही कुछ ऐसा है, एक जुआ है। विस्पिया ऋतु के बातें उसमें उस किताब में तो डायरेक्टली लिखा है कि पृथ्वी पर जन्म लेना एक सचमुच एक जुआ है, लेकिन आपको सचमुच डरने की जरूरत नहीं है कि होकर हमारी मौत ही होगी, और हमारे मौत के बाद क्या होता है तो इसके बारे में हम रोज ही बात कर रहे हैं, तो आपको ज़रा भी डरने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा जुआ है, मैं आप अच्छे लोगों के लिए कह रहा हूँ कि मतलब जिन्होंने कुछ बुरा नहीं किया, ये ऐसा जुआ है कि जिसमें हमेशा आप ही की जीत होती है, ये सच है। आपको यकीन हो या फिर ना हो, मैं आपसे सच कहता हूँ कि हमारी जीत ही होती है, और हम ये सारी चीज़ें तभी समझ पाएंगे जब आत्मलोक में हम जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहे,
अपनी ज़िंदगी में अच्छा काम करते रहे, और हमें अगर कई बात से हमें मतलब पश्चाताप हो कि मैंने ऐसा बुरा किया और तो मेरा साथ क्या हुआ, तो आपको ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। पश्चाताप के बाद आप उस बुरे के पूरी तरह से त्याग कर दीजिए और अच्छे बनने की कोशिश करें, और धीरे धीरे सचमुच अच्छे बनिए, और हमेशा एक समाज को आपसे मतलब बहुत ही आपका आपके अच्छेपन का मतलब बहुत ही वो ख्याल रखेगी और आपको मतलब एक अच्छा आदर भी देगी। और हम आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, मुझे अच्छा लगेगा आपको जवाब देना। कोई पॉइंट अगर आपको ठीक से नहीं समझ में आया हो तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।